हेलो एवरीवन, आई होप आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर एंजॉय किया होगा, जो कि डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और लॉगरिथमिक फंक्शन था। मतलब मैंने ऐसे तीन टिपिकल जो फंक्शन आते हैं उनके मैंने डायमेंशन निकालना आपको सिखा दिया था, ठीक है। तो आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप देखेंगे तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, उसमें कुछ छोटे मोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं और थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता है। तो आज हम कॉन्सेप्ट समझेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप अगर समझ गए तो खुद मन से भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर दोज फिगर्स इन विच सम, देखना ध्यान से, सम सर्टेन डिजिट्स, सम सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। ध्यान से, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इसको जरा अच्छे समझिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स हैं जिसमें कुछ सर्टेन डिजिट्स होते हैं और एक अनसर्टेन डिजिट होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए समझ लेते हैं भाई कैसे। मान लीजिए आपको एक रॉड मेजर करने को दिया जाए, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि ये रॉड है, इसको मेजर कीजिए, और आप उसको कम से कम 5 बार मेजर करते हैं, तो आपका आंसर पहली बार आया 1.34, दूसरी बार आया 1.36, फिर 1.33, फिर 1.32, फिर 1.35। मान लीजिए आपने 5 बार मेजर किया और आपका ये वैल्यू आया इतना मीटर आया, ठीक। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें स्टार्टिंग के जो दो नंबर है, ये दो नंबर देख रहे हैं आप, ये दोनों सेम है, 1.3, 1.3, 1.3, मतलब ये सर्टेन डिजिट्स हैं, और प्लस वन अनसर्टेन डिजिट्स। आप देख सकते हैं ये लास्ट में, जरा इस नंबर को देखिए, ये अनसर्टेन है, देख रहे हैं। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स हैं जिसमें कुछ सर्टेन डिजिट्स होंगे और एक अनसर्टेन डिजिट होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर इसमें आपको पूछा जाए कि ये जितने नंबर हैं इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बस हो गया, सबके सब काउंट कर लीजिए, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने नंबर्स हैं, मतलब कि जैसे ये 3 नंबर है तो ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें भी 3 नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें भी 3 है तो 3, तो मतलब 3, 3, 3, ये सब। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसका रूल सीख लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। ये प्लस तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, आप अगर डेफिनेशन में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज प्लस करके लिख दीजिए, PLUS, ठीक है। चलिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। अब जरा समझ लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानते कैसे हैं, रूल्स क्या है डिटरमाइन करने का। तो रूल्स ध्यान से, हाँ, एक एक रूल मैं आपको बता रहा हूं। पहला रूल, ठीक है, ऑल नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने नॉन जीरो नंबर डिजिट मिलेंगे आपको वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे एग्जांपल 2368, 1238, 112, 68, ये देखिए सब नॉन जीरो नंबर है, इसमें कहीं जीरो है क्या? नहीं है ना, तो नॉन जीरोस का मतलब जिसमें जीरो ना हो। तो ये जितने नॉन जीरोस हैं, अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 हो गया। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3, 4। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अच्छा,
दूसरा रूल देखिए, सेकंड रूल, सेकंड वन, एक मिनट, इसको एरोप्लेन मोड में करना पड़ेगा, अदरवाइज किसी का कॉल आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, नाउ इट्स क्लियर। ओके एवरीवन, एक बार फिर से देखिए, तो पहला रूल आई होप आप समझ चुके हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल क्या है जरा समझते हैं, सेकंड रूल समझते हैं, सेकंड रूल क्या है देखिए, दूसरा रूल, जीरोज आफ्टर, जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मतलब जीरोज आफ्टर नॉन जीरो, तो नॉन जीरो पहले ले लो, सिक्स ले लिया, सेवन ले लिया, ठीक है, और उनके आगे अगर जीरो लगा दिया तो 6700, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा, मतलब ये जीरो भी काउंट होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, चार, एक दो तीन चार, बात समझ रहे हैं। अगर किसी नंबर के, जैसे मान लीजिए 3210, तो देखिए जीरो नंबर के बाद में लगा है ना, जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, तो ये नॉन जीरो डिजिट्स है, क्लियर हुआ, और इसके आगे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये देखिए इसमें टोटल कितने हुए, चार हुए। इतना समझ में आ रहा है। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 1000 लिखा हुआ है, तो देखिए वन नॉन जीरो है और उसके आगे जीरोज लगे हैं, तो ये टोटल काउंट हो गया, कितना हो गया, चार। इतना समझ में आया, तो याद रखना जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो के आगे के जितने डिजिट्स हैं वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किए, मतलब वो जीरो काउंट होंगे। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब देखते हैं थर्ड रूल, थर्ड रूल देखिए, थर्ड वन, जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, वो पूरा, बात समझ रहे हैं, जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरो, मतलब एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए 2008, 3108, 3092, तो जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरो, तो ये देखिए ये जीरोज हैं नॉन जीरो के बीच में है ना, ये भी नॉन जीरो है और जीरो इनके बीच में है, ये देखिए नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तो ये सब काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। चलिए बताइए इसमें कितने हैं, तो एक दो तीन चार, इसमें कितने हैं, इसमें भी चार, इसमें कितने हैं, इसमें भी चार, मेरी बात समझ में आ रही है, तो सारे जीरोस काउंट होंगे। तो ये देखिए टोटल तीन रूल हो गई है। इतना समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। तो नॉन जीरो जितने हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो के आगे जितने हैं वो सब भी नॉन जीरो के आगे जितने भी रहेंगे वो सब सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अच्छा, एक बार फटाफट ये तीनों रूल मैं फिर से रिवाइज करा दूं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब से 1 2 8 6 नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट होगा, कितने हैं, चार। जीरोज आफ्टर नॉन जीरो डिजिट्स, जैसे 2 6 और ये देखिए दो जीरो लगा दिया, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितने हैं टोटल, चार। जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरो, जैसे 1 है, 0 है, 2 है, तो ये देखिए नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तो इसके कितने हुए, तीन। तो ये सब आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। इतना आपको समझ रहा है, आई होप आप समझ रहे होंगे, गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, फोर्थ वन, फोर्थ वन, जीरोज आफ्टर, जीरोज आफ्टर नॉन जीरोज एंड राइट साइड ऑफ डेसिमल, ऑफ डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, इज सिग्निफिकेंट नंबर या फिगर्स। इसका क्या मतलब है, जीरोज आफ्टर नॉन जीरोज एंड राइट साइड ऑफ डेसिमल, मतलब ओवरऑल इसका मीनिंग क्या है जरा, ये सेंटेंस बनने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है बट लॉजिक आप समझिए, ठीक है। लॉजिक क्या कह रहा है कि जैसे ये डेसिमल है और ये है 6 2, तो राइट हैंड इन नॉन जीरो के जीरोज आफ्टर नॉन जीरो, तो ये देखो मैंने जैसे जीरो लगा दिया,
तो 0.6620, अगर इसमें आपसे पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो 3। बात समझ रहे हैं? तो ये डेसिमल का आ गया, डेसिमल के पहले तो अपने आप एक जीरो लगता ही है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, डेसिमल के पहले वाले जीरो काउंट नहीं होते, याद रखना। तो ये जैसे 0.1020 ऐसे दिया है, तो ये सब काउंट होंगे, कितने फिगर्स हैं? 4। इतना क्लियर हो रहा है? जैसे मान लीजिए दिया है 0.12003, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 5। मेरी बात आई होप आप समझ रहे हैं, इतना क्लियर है? चलिए, तो 0.6, तो मतलब डेसिमल के बाद एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो नंबर मतलब डेसिमल के बाद जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल के बाद जस्ट जीरो है और इधर भी जीरो है, तब काउंटिंग नहीं होगी, तब सिर्फ नंबर्स की काउंटिंग होगी। लेकिन अगर डेसिमल के बाद नंबर है और नंबर के बाद जीरोज हैं, तब आपको वो पूरा काउंट करना पड़ेगा। ठीक, अभी हम फुल फ्लेज्ड इसका हम एग्जांपल भी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। तो इतना आपको समझ में आया? तो 3 हो गया, 4, 4 हो गए टोटल। पांचवा रूल क्या है? जीरोज बिफोर नॉन जीरोज, जीरोज बिफोर नॉन जीरोज एंड लेफ्ट टू डेसिमल, या लेफ्ट टू नॉन जीरोज, ऐसे लिखो, जीरोज बिफोर नॉन जीरोज एंड लेफ्ट टू, बिफोर एंड लेफ्ट टू नॉन जीरोज, जीरोज बिफोर एंड लेफ्ट, बिफोर एंड लेफ्ट टू नॉन जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये आपको समझना है, जीरोज बिफोर एंड लेफ्ट टू नॉन जीरोज, मतलब जैसे 0.0062, तो ये देखिए नॉन जीरो के लेफ्ट में, देखिए डेसिमल है ना, जीरोज बिफोर एंड लेफ्ट टू नॉन जीरोज, तो ये देखिए इनके लेफ्ट में इधर है ना नॉन जीरोज, ठीक है, तो ये सब नॉन जीरोज और डेसिमल के बाद ये सब काउंट नहीं होगा। तो जीरोज बिफोर एंड लेफ्ट टू नॉन जीरोज एंड आफ्टर डेसिमल भी लिख सकते हैं, एंड आफ्टर डेसिमल, एंड आफ्टर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे ये हो गया 0.002 लिखा है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो काउंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसमें कितने हैं? 1, क्योंकि एक ही नंबर है ना, और पहले के जीरो काउंट नहीं होते हैं। इतना समझ में आया? चलिए अब इसको थोड़ा अच्छे से फटाफट और एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा होगा, डोंट वरी, अभी देखें फटाफट सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे आपके, जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे बस। तो प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, ठीक है? देखिए प्रैक्टिस के साथ ही सारे डाउट्स आपके छूमंतर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए आप बताइए 2008 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4। 0.028 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तो सिर्फ 2, क्योंकि ये लेफ्ट वाले जीरो नहीं काउंट होते। 2.0080 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, क्योंकि जीरो बाद वाला भी काउंट होगा, बीच वाला भी काउंट होगा। 0.008000 इतने दिए हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? तो लेफ्ट वाले जीरो काउंट नहीं होते, सिर्फ राइट वाले होते, तो कितने बचे? 4। अब आपको समझ में आ रहा होगा 1.0200, तो कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर 6। 0.0160, तो ये जीरो तो काउंट होगा नहीं, मतलब इधर वाले काउंट होंगे नहीं, तो 1, 2, 3, तो ये टोटल 3 हो गया। इतना समझ में आ रहा है? तो याद रखना डेसिमल क्या गया। अच्छा, कभी अगर ऐसे लिखाओ 16.00, तब आप ये मत सोचना कि सर 0.00 का क्या मतलब, डायरेक्ट 16 लिखते हैं ना, नहीं। अगर वो डेसिमल के आगे जीरो लिखा है, मतलब मशीन ऐसी है जो डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर कर सकती है, मतलब कोई एक ऐसी मशीन का ये वैल्यू दिया है जो डेसिमल के 2 डिजिट तक वैल्यू मेजर कर सकती है, इसलिए आप ये सब काउंट करेंगे। तो नंबर के बाद जीरो है तो काउंट करना पड़ेगा, 4 हुआ। जैसे मान लीजिए 16.0 है, तो इसमें कितने हैं? 1, 2,
नंबर के बाद जीरो आ रहा है तो काउंट करना पड़ेगा, तीन हो गया। बात समझ में आ रहा है? आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो याद रखना इस तरह से, अगर आपको नंबर्स गिवन है और बीच में जीरोस हैं तब तो पक्का काउंट होंगे। सिर्फ एक ही काउंट जीरो नहीं होता जो एकदम लेफ्ट में सारे जीरोस हो जाते हैं, जैसे 0.00001। अगर कोई पूछे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये सारे जीरो काउंट नहीं होंगे, बस ये एक, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1। बात समझ में आ रही है? ओके, तो देखिए कितना सिंपल है ये, इसको आप इस तरह से पहचान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक SI यूनिट की बात मैं आपको बता दूं और एक मैग्नीट्यूड की बात बता दूं। अगर मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हो 1.62 × 10⁻³, तो अब आपको लग सकता है कि यार ये 10⁻³ यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तीन जीरो और बढ़ा दें, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, जब 10 की पावर में हो तो समझ जाना कि इसको हमको काउंट नहीं करना, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, इसको काउंट नहीं करना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है मैं सिखाऊंगा आपको। तो ये 10 की पावर काउंट मत कीजिएगा। तो कितने लोग बच गए? अब जैसे नॉर्मल 1.60 को आप पहचानते हैं, इसको नॉर्मल पहचान सकते हैं ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 हो गया। बात समझा? तो याद रखना, अगर ऐसे दिया है 2.026 × 10⁻⁸, तो समझ जाना इनसे कोई मतलब नहीं है। तो बचे कितने? 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। इतना क्लियर हुआ? याद रखना, जैसे ऐसे लिखा है 0.98 × 10⁻¹, सिर्फ 1 लिखा है, तब भी 10⁻¹ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कितने हुए, तो 2 हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स। इतना क्लियर? तो याद रखना, अगर 10 की पावर करके दिया है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए अगर कभी आपको किसी SI यूनिट में कोई चीज गिवन हो, जैसे मान लीजिए दिया है 16 किलोमीटर, ये एक वैल्यू है, और इसी को कई फॉर्म में लिखा है, जैसे 16 किलोमीटर, 160 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, और 160, इसमें 3 जीरो मैंने लगा दिए तो ये हो गया मीटर, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो तो याद रखना, अगर SI यूनिट का टर्म्स आपको दिखे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, मीटर, इस तरह के टर्म्स अगर आपको दिखे, तो आप सिर्फ नंबर्स को काउंट कीजिएगा। तो कितने नंबर्स हैं? 2, तो इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। ये जरा ध्यान से मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी कोई SI यूनिट से रिलेटेड आया, जैसे आज गया सपोज कीजिए 21 किलोग्राम, और एक जगह इसी को किसी ने लिखा है 21,000 ग्राम, तो समझ जाइएगा कि ये ग्राम, किलोग्राम, वॉट एवर, अगर ग्राम लिखा है मतलब वो SI यूनिट है, तो आप SI यूनिट में ये जीरो काउंट नहीं करेंगे, बस ये 2 नंबर काउंट करेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ नंबर लिख के आता कि चलिए पहचानिए इसमें कितने हैं, ना तो ग्राम, ना तो सेकेंड, ना तो लीटर, ना तो मीटर, कुछ नहीं, ऐसे ही आ जाता और आपसे पूछता कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तब तो हो गया सही, दे काउंट कर लीजिए, 5 हो गए। बात समझ आ रहा है? लेकिन अगर इनके साथ कोई SI यूनिट जुड़ गया, जैसे मान लीजिए सेकेंड जुड़ गया, तो सेकेंड तो SI यूनिट है, तो अब आपसे पूछे चलिए बताइए इतने 21,000 सेकेंड का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना है, तो सिर्फ ये 2 नंबर आप काउंट करेंगे। इतना क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? तो याद रखना, अगर कोई SI यूनिट हो, SI यूनिट, ठीक, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नो चेंज, नो चेंज। इतना समझ में आया? याद रखना, नो चेंज मतलब अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर को मैंने लिख दिया 0.1 डेकामीटर लिख दिया, या 0.01 हेक्टोमीटर लिख दिया, या 0.001 किलोमीटर लिख दिया, तब भी आप चेक कर सकते हैं इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होगा। तो 1111 मतलब इसमें एक ही डिजिट को काउंट करना पड़ेगा। इतना समझा? तो एक बात याद रखना, चाहे ऐसे डेसिमल में हो चाहे वैसे हो, अगर इनके साथ SI यूनिट लग गया बच्चों, तो 100% उसमें आप सिर्फ वो नंबर्स काउंट करेंगे और कुछ भी काउंट नहीं करेंगे। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करवा देता हूं। चलिए मान लीजिए लिखा है 2.300 लीटर, ठीक है। अब बताइए, तो 2.300 लीटर, तो इसमें कितना होगा? तो सिर्फ आपके 2 नंबर है, तो बस, सॉरी, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। समझ में आया? इतना याद आया? चलिए और एक लिख लेते हैं, 1500 ग्राम, 1500 ग्राम, तो सिग्निफिकेंट फिगर केवल 2 नंबर है, तो 2 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। इतना समझा? क्यों? क्योंकि इसमें SI यूनिट लगा है ना, तो जहां भी SI यूनिट लगा होगा याद रखना सिर्फ इसी को काउंट करेंगे। इतना क्लियर हुआ? ओके ओके, चलिए इसके बाद क्या करना है,
अब इसमें क्या होता है कि हम नंबर्स तो चलिए छोटा मोटा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, राउंड ऑफ। अब इसमें एक राउंड ऑफ वाला टेंशन आता है, तो राउंड ऑफ करने का रूल भी देख लीजिए। राउंड ऑफ करने का, राउंड ऑफ कैसे राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3.262, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसको राउंड ऑफ कीजिए डेसिमल के सिर्फ दो नंबर तक, मतलब ये तीसरा वाला गायब करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर ये लास्ट वाला नंबर, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं ये रूल लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ समझा रहा हूं, तो आप समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। तो राउंड ऑफ का पहला रूल क्या है, अगर ऐसा कोई नंबर दिया है और लास्ट वाला नंबर 5 से कम है, 5 से स्मॉल है, 5 से स्मॉल, 5 से छोटा है ना, तो आप क्या करेंगे, तो इसका मतलब इसको 3.26 लिख देंगे, मतलब इस 6 में आप क्या करेंगे, नो चेंज। तो याद रखना, अगर लास्ट वाला नंबर जो आप हटा रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो बाजू वाले नंबर को आप चेंज नहीं करेंगे। जैसे 4.281, अब मैं बोलूं कि 1 को हटाना है तो 1 5 से छोटा है ना, तो इसको सही से लिखेंगे राउंड ऑफ करके तो कितना आएगा, 4.28, समझा। तो याद रखना, अगर लास्ट वाला नंबर जो 5 से कम है तब आप हटाएंगे तो ये बदलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए 5 से बड़ा हो, तो 5 से बड़ा हो जैसे 4.236, ठीक है। अब ये देखिए, ये 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, तो अगर ये 5 से बड़ा है तो 4.2, अगर ये 5 से बड़ा है तो ये एक बढ़ जाएगा, तो 4.24 हो गया, और इसको हटा दीजिए, बात समझा। तो याद रखना, 5 से कम होगा तो क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वैसे का वैसे लिख दीजिए, ठीक। अगर इसी नंबर को देखिए ऐसे लिखा होता 4.232, देखिए यही नंबर 6 की जगह यहाँ 2 होता, तो 5 से कम है ना, तो इसका नंबर अगर राउंड ऑफ करते तो कितना आता, 4.23, ये देखिए राउंड ऑफ आ गया, बात समझा। तो याद रखना, राउंड ऑफ में ये करते हैं। अब राउंड ऑफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, जरा उसको समझिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास, जो आपको समझना है। देखिए, मान लीजिए एक नंबर लिखा है 4.236 और यहाँ पे लिखा है 4.226, ऐसे लिखा है, ठीक है। और अगर दोनों नंबर ध्यान से देखना, और अगर आपसे कोई कहता है कि इसको आप चेंज कीजिए, मतलब सिर्फ डेसिमल के दो नंबर तक लाना है आपको, तो आपको ये लास्ट नंबर हटाना है, तो ये देखिए मैंने ये 6 हटा दिया, तो ये क्या करेगा, 3.1 बढ़ जाएगा ना, तो ये नंबर क्या हो गया, 4.24 आ गया, इतना समझा। क्योंकि अगर 5 से बड़ा है तो एक हटाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आइए, इसमें भी देखिए, ये 5 से बड़ा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4. अब आपको लग रहा होगा, सर ये क्या है, आपने यहां तो इसको हटाया तो एक यहां 3 को 4 कर दिया, क्योंकि एक बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये 5 से बड़ा है, यही ना। लेकिन यहां देखिए, ये 5 से बड़ा है लेकिन मैंने इसको 4.22, मतलब इसको, इस 2 को मैंने चेंज ही नहीं किया, इस 3 को मैंने चेंज किया है, क्लियर। तो याद रखना, इसमें भी रूल है, अगर जिस नंबर को आप हटा रहे हो, इस नंबर को आप हटा रहे हो और इसके पहले वाला नंबर अगर ऑड है, ऑड, तो ये नंबर बढ़ जाएगा, मतलब जो है ये नंबर एक इंक्रीज हो जाएगा। और अगर जो नंबर आप हटा रहे हो अगर उसके पहले वाला नंबर इवन है, इवन, तो वो चेंज नहीं होगा, तो ये देख सकते हैं नो चेंज, यहां पे 2 का 2 ही आ गया, इतना समझ में आया। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, जो नंबर आप हटा रहे हैं उसके पहले वाला नंबर अगर ऑड है तो वो नंबर चेंज हो जाएगा। देखिए 3 ऑड नंबर में आता है ना, तो 3 का 4 हो गया, लेकिन जो नंबर आप हटा रहे हैं उसके पहले वाला नंबर अगर इवन है तो देखिए वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इतना समझ में आया। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, 4.627 ले लेते हैं और 4.617 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें बताइए, तो आपको 7 लास्ट वाला नंबर मान लीजिए हटाना है, ठीक है, सिर्फ डेसिमल के दो डिजिट तक आपको चाहिए, तो ये 7 हटाएंगे तो इसके पहले कौन सा है, ये तो इवन है ना, इवन नंबर है ना, तो 5 से बड़ा है लेकिन ये तो इवन है ना, तो इसका मतलब अगर आप इसको लिखेंगे डेसिमल के दो नंबर तक तो कितना लिखेंगे, 4.62, समझ में आ रहा है। यहाँ आइए, ये 7 हटाना है लेकिन ये तो ऑड है ना, ये ऑड नंबर है ना, 1, ठीक है,
तो ये ऑड नंबर है, तो ये 7 जब हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 4.62 हो गया। इतना क्लियर हुआ? आई थिंक समझ रहे होंगे आप, है ना। चलिए मान लेते हैं कि आप समझ रहे हैं, तो याद रखिएगा सिर्फ इवन और ऑड को ध्यान देना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और फिर जो है आप उसको आगे करिएगा। अभी हम इसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन भी सीख लेंगे क्या कैसे करना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 3.628 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 3.2638 लिखा है, मान लीजिए अगर ऐसा दिया है, तो आपको ये लास्ट वाला हटाना है और डेसिमल के तीन नंबर वालों को लिखना है। तो डेसिमल का अब बताइए, ये नंबर तो इवन है ना, इवन, तो ये 5 से बड़ा, इसको हटाएंगे तो ये इवन वाला चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो ये वैसे ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा। यहाँ देखिए 8 को हटा रहे हैं लेकिन 3 क्या है, ऑड है ना, 3 ऑड है ना, तो जब इसको आप चेंज करेंगे तो 3 2 6 और 3 का क्या हो जाएगा, 4। चलिए बताइए समझ में आ रहा है पक्का? ओके, अब मुझे भरोसा हो गया कि इतने एग्जाम्पल से आप पक्का समझ गए होंगे कि एक्चुअली में राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन मैं आपको बताता हूं, जो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक कंफ्यूजन आएगा। वो कंफ्यूजन क्या है जरा देखिए, 4.628 ठीक है, और 4.2668 ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब जरा ये लास्ट वाले को हटाना है, चलिए यहां हटाते हैं तो आ गया 4.26 और ये इवन नंबर है ना, इवन, तो चेंज नहीं होगा, तो मतलब 4.262, तो ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए यहां आ जाइए, तो यहां 5 से बड़ा है ना ये, लेकिन ये कौन है, ये तो इवन नंबर है ना, ये इवन नंबर है ना, तो चलिए इसको करते हैं तो 4.26 और ये इवन नंबर है लेकिन ये 7 हो गया। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, तो ये क्या है आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको पक्का कभी मत भूलिए। वो टर्म क्या है, वो टर्म ये है कि अगर जिस नंबर को आप हटा रहे हैं उसके बगल वाला नंबर भी 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा, वॉट एवर, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, याद रखना, अगर 8 ये जो नंबर आप हटा रहे हो उसके बगल वाला नंबर इवन है ना, लेकिन ये नंबर 5 से बड़ा है ना, तो अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो आप चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, 1 आपको बढ़ाना ही होगा। एक बार फिर से एग्जांपल में दे देता हूं, 4.286 ठीक, चलिए 6 को हटाना है ठीक, लेकिन ये नंबर देखिए इवन है तो इवन हटना नहीं चाहिए, लेकिन 5 से बड़ा है ना, तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो 4.28 हो जाए, सॉरी 4.29 हो जाएगा, मतलब 6 हटाएंगे। इतना समझ में आया, पक्का समझ में आ गया होगा आपको? अच्छा, अगर ऐसा होता तो 6 हटाते तो ये 5 से बड़ा है ना, तो ये 4.27 हो जाता, समझ रहे हैं? तो ये एक कंफ्यूजन है जो अक्सर आप देखेंगे बुक में, तो कहीं कहीं ऐसा दे देता है, तो आपको रूल याद आता है कि यार ये इवन और ऑड वाला तो हमने सीखा था, ये तो इवन है फिर भी क्यों बदल रहा है। तो याद रखना, जब ये 5 या 5 से बड़ा हो, आपके मन में ये भी आ रहा होगा सर यहाँ 5 होता तो क्या करते, तो यार 5 तो ऑड है ना, तो ऑड तो पक्का बदल जाएगा ना, तो ये तो वैसे ही 6 हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये बात याद रखना, 5 या 5 से बड़ा हो तब भी बदल जाता है, ठीक। अच्छा, अगर लास्ट नंबर 5 हो, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि अच्छा सर अगर एग्जैक्ट 5 हो तो, जैसे 4.265 ठीक, और यहाँ पे 4.215 मान लीजिए ऐसा हो, तो चलिए देखिए ध्यान से, ये 5 है तो 5 के बगल में क्या है, इवन है लेकिन 5 से बड़ा है तो बदल जाएगा 4.27, ये 5 है, 5 के बगल में क्या है, ऑड है तो बदल जाएगा 4.2 और 2 हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा होता 4.225 ठीक है, और ये 5 है, ये 5 है तो 5 को हटाते तो ये ना चेंज हो, क्योंकि ये इवन है और 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, और मान लीजिए ऐसा होता 4.255, अब आप 5 हटाते तो ये तो ऑड है ना, ऑड, और ऑड के रूल के हिसाब से 4.26 हो जाता ना, समझ रहे हैं क्या? तो याद रखिएगा, आई होप कि इतने एग्जांपल के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर देखिए इसमें कितने हो गए, टोटल 3 हो गए है ना, इसमें कितने हो गए 3, इसमें कितने थे टोटल, इसमें 4 थे, इसमें 4 थे, इसमें 3 हो गए, इसमें 4 है, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर तो काउंट करना आपको आ ही गया होगा। चलिए एक फाइनल एग्जांपल हम
ट्राई कर लेते हैं और फिर आते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 4000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4, 2.010 कितने होंगे, 4, 0.0020 कितने होंगे, 2, 0.001080 कितने होंगे, 4, 0.1080 कितने होंगे, 4, समझ में आ रहा है, 2012 कितने होंगे, 4, ठीक है, 1.00 कितने होंगे, 3, 0.001 कितने होंगे, 1, 0.00100 कितने होंगे, 3, समझ में आ रहा है। तो ये तो प्रैक्टिस हो गया आपका, तो इतना आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो आप राउंड ऑफ भी समझ चुके हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी काउंट करना समझ चुके हैं। सिग्निफिकेंट फिगर चलिए मुझे इसका बताइए, 16 मीटर, 160 सेंटीमीटर, 1600, 16 मीटर, 1600 सेंटीमीटर एंड 16000 मिलीमीटर, चलिए बताइए कितना होगा। तो दो ही होगा भाई, क्यों, क्योंकि ये SI यूनिट वाले हैं और SI यूनिट में जो नंबर है बस वही काउंट होते हैं। तो इसमें दो होगा, इसमें भी दो होगा, इसमें भी दो होगा, इतना समझा। तो SI यूनिट वालों के साथ ऐसा होगा, क्लियर है। चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, और ट्राई कर लेते हैं ये वाला नंबर, 2.3 × 10⁻¹⁸, 0.01 × 10⁻¹⁶। तो इसमें देखिए, इसमें तो चलिए मान लीजिए यहाँ 6 लिखा है, तो इसमें आप काउंट करेंगे तो ये, तो ये वाले लोग तो काउंट होते नहीं है, तो ये लोगों से कोई मतलब अपने को है नहीं। तो बचे कितने, इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने, तो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना। चलिए तो ये सब चीज़ें आपको आ गई, ठीक। अब आते हैं हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जोड़ घटाना, कैसे जोड़ घटाना करेंगे हम लोग, आइए इसको भी सीखते हैं। ये भी दिन आ गए हम लोगों के कि हम लोगों को जोड़ घटाना सीखना है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, क्लियर। चलिए देखिए कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप सीखेंगे। मान लीजिए कि आपके पास नंबर दिया है 2.3, ठीक, 2.3, और आपके पास दिया है 1.008, और एक नंबर दिया है 0.002, ठीक है, और आपको तीनों ऐड करना है। तो चलिए लिखिए 2.3, 1.008 और 0.002, ठीक, तीनों नंबर मैंने यहाँ ऐड कर लिया, तो 8 × 2 = 10 हो गया, 001 हो गया, और 3, और ये 3, कितना आ गया, 3.310, ठीक। लेकिन 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 आंसर क्या होगा, इसको आपको सिग्निफिकेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट नंबर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऐड कीजिए, इतना सिंपल थोड़ी कि ऐड हो गया तो आंसर आ गया, नहीं, सिग्निफिकेंट में आप बताइए कि इसको कितना लिखेंगे आप, ठीक है, कितने डिजिट तक लिखना पड़ेगा। तो आपको एडिशन में एक रूल याद रखना है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन, ये रूल आप हमेशा के लिए याद कर लेना। अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस आप चेक कर लीजिए, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, बस यही आपका आंसर हो जाएगा इसका, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। तो चलिए बताइए इन तीनों में सबसे कम डेसिमल प्लेस में कौन है, तो ये वाला है। डेसिमल के बाद जस्ट एक ही नंबर है ना, यहाँ डेसिमल के बाद तीन नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद तीन नंबर है, तो मिनिमम डेसिमल नंबर में कौन है, तो मिनिमम डेसिमल नंबर में ये है, डेसिमल के बाद एक। इसका मतलब जो रिजल्ट आया है उसको भी आपको डेसिमल के बाद बस एक ही नंबर तक लिखना है, बाकी को नहीं लिखना है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या करेंगे, 3.3, चलिए इतना आपको समझ में आ गया, वो चीज क्लियर हुआ। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3.3, ये तो 1 है, 10 हटाना है ना, हटाने का मतलब दोनों को 00 कर दो, दोनों को 00 कर दो, ठीक, या इन दोनों को हटा दो, दोनों को हटा दो। तो ये 1 था, अगर आप इसको हटा रहे हैं तो ये 5 होता, तब तो ये 4 हो जाता ना, क्योंकि 5 हटने के बाद ये ऑड नंबर है और ये 3 का 4 हो जाता, लेकिन ये क्या है, 5 से छोटा है, तो ये अगर हट रहा है, ये भी हट रहा है, तो ये 3 का 3 रहेगा, तो आंसर आ गया आपका 3.3। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, याद रखना मिनिमम डेसिमल प्लेस चेक करना है, तीनों में सबसे कम डेसिमल वाले किसमें हैं, तो डेसिमल के बाद एक नंबर ही है, बस इतना ही। तो चलिए एक और देख लेते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, देखिए
ये देखिए, एक नंबर ले लेता हूँ मैं, कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, 0.02 और 1.0360, ठीक है, और 1.26, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक। अब इनको ऐड करना है, चलिए मान लीजिए तीन नंबर ऐड वाले भी, सब्ट्रैक्शन वाले भी बता दो, पहले ऐड वाले देख लीजिए, सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल वही होगा, तो ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये 2.316। चलिए देखिए, इतना समझ में आया। अब सबसे कम डेसिमल किस में है, डेसिमल के बाद दो नंबर, डेसिमल के बाद दो नंबर, तो मतलब मुझे डेसिमल के बाद दो नंबर वाले लाने हैं, ठीक है, तो 2.3 डेसिमल बाद दो नंबर, 3 और 1, यही इतना लाना है, तो ये देखो ये 6 है ना, ये दोनों हटाने हैं ना, तो ये तो 6 है ना, 5 से बड़ा, तो ये 1 क्या हो जाएगा, 2, तो ये देखिए आंसर आ गया 2.32। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है पक्का? अच्छा, अब मान लीजिए एक और नंबर मैंने ले लिया 6.2, 0.001 और 100.10, ठीक है, चलिए ये ऐड करना है, मान लो ऐसे तीन नंबर दिए हैं और आपको ये ऐड करना है, तो ये 1, ये 0, ये 0, ये 3, ये 6, ये 0, ये 1, ठीक है। अब आप मुझे बताइए डेसिमल सबसे कम किस में है, तो डेसिमल के बाद सबसे कम का मतलब डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर, मिनिमम प्लेस कहाँ है, तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद चार नंबर है, यहाँ डेसिमल दो नंबर है, तो सबसे कम कहाँ, यहाँ डेसिमल बाद एक नंबर, तो आपको डेसिमल वाला सिर्फ एक नंबर लाना है, तो ये देखिए ये 0 0 0, तो ये 0 5 है तो छोटा ही है, तो ये 3 चेंज होगा नहीं, तो ये फाइनल आंसर आ गया 106.3। इतना समझ में आया, तो बस हो गया, ऐसे ही करना है और क्या। अब आपको मैं बता देता हूँ, मान लीजिए सब्ट्रैक्शन आ गया, तो सब्ट्रैक्शन में जैसे दिया है 0., एक क्वेश्चन ऐसे भी मैंने देखा था, कहीं लिखा था 1.5 × 10^5, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करना था फ्रॉम 1.2 × 10^4 से, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसको भी 5 बना लेते हैं, तभी तो 5 5 थोड़ा इजीली हम कर पाएंगे, है ना, तो इसको अगर मैं 5 बना लूँ तो कैसे लिख लूँगा, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ये 5 0 मतलब क्या 10^5 है ना, तो 5 0 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी यहाँ माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छा हो जाएगा। तो अब मान लीजिए अगर इसको करना हो तो आपको क्या करना है, -5, तो ये देखिए -5 टाइम डेसिमल, यहाँ माइनस, यहाँ पे 4 0 और लगा दो या 5 0 और लगा दो, ठीक है, वैसे भी लिख सकते हो, या तो ऐसे कर लो, इसको आप 5 0 बनाओ, इसको आप 5 0 बनाओ, तो कैसे बनाओगे 5 0, कैसे बनाओगे 5 0, जब आप इसमें 10^-1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और 10^-1 से डिवाइड करोगे, तो 10^-1 यहाँ 1.2 के पास गया, तो 10^+ का 1 हो गया, और 10^-4 और 10^-1 मिलके 10^-5, ठीक, और ये 10^-1 को इसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 12 हो गया, तो 12 × 10^-5, तो ये देखिए आ गया 12, तो अब आपको 12 × 10^5 में माइनस करना है 1.5 × 10^5, ठीक, तो बस हो गया। अब आप बताइए खुद से, 10^5 कॉमन आ गया, तो 12 − 1.5 आ गया यहाँ पे, ठीक है, और 10^5 आप कॉमन ले लीजिएगा, अब जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, तो देखिए 5 आ गया और ये 10, तो 10.5, तो डेसिमल के बाद एक ही नंबर था इनमें, तो 10.5 और × 10^-5, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, बिल्कुल घबराइए मत, बहुत ही सिंपल है ये, जैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हैं सबसे कम डेसिमल काउंट कर लीजिए, 4.2 में आपको माइनस करना है 0.001, तो चलिए बताइए सबसे कम डेसिमल किस में है, इसमें, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है ना, डेसिमल के बाद 3, तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 0 तो मानना ही पड़ेगा ना, तो है नहीं बट मान के चलते, चलो मान लेते हैं यहाँ 0 है, तो यहाँ 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 9 और यहाँ 1, ठीक है, और यहाँ 4, तो 4.199, ठीक है, लेकिन डेसिमल 1 प्लेसेस तक सबसे छोटा वाला यही है ना, इसके बाद डेसिमल के बाद 3 लोग हैं, इसके बाद 1 लोग हैं, तो सबसे छोटा वाला कहाँ, तो क्या करना पड़ेगा, इस 1 को बदलना पड़ेगा, तो ये दोनों हटा दीजिए, तो ये 9 है, 5 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4.2, तो ये देख लीजिए आंसर 4.2 ही है, बात समझा, ये राउंड ऑफ किया है मैंने सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है, तो ऐसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये भी ईजी है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन, तो याद रखना सब्ट्रैक्शन और एडिशन बहुत ही सिंपल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई
और डिवीजन की। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ मल्टीप्लाई और डिवीजन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आपको क्या काउंट करना है, काउंट लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, काउंट लीस्ट नंबर। काउंट क्या, चेक, चेक लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो याद रखना सिग्निफिकेंट फिगर का चेक लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर किसमें है उसमें आंसर लाना है। जैसे मान लीजिए 1.1 का मल्टीप्लाई 1.21 में करना है, ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो कितना आएगा, 1.331 आएगा, आएगा ठीक, मल्टीप्लाई किया ना। अब आप मुझे बताइए इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें डेसिमल में चेक कीजिए, इसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दो, तो दो तक लाना है आपको। तो इसको दो तक क्या लिखेंगे, तो 1.3, और ये 5 से तो छोटा ही है तो इसको दोनों हटा दीजिए तो 1.3 आंसर हो गया। इतना समझा, इतना क्लियर हुआ। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, मान लीजिए 0.5 और इंटू 0.1 और इंटू 0.01 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो आप समझ चुके होंगे जिसमें जो सबसे कम होगा सिग्निफिकेंट वही करना है, मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा तो 5 ही, और 1, 2, 3, 4 टोटल, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे डेसिमल लग गया, ठीक है, इतना हो गया। लेकिन आपको करना क्या है, आपको कितने तक चाहिए आपको डेसिमल, तो सिग्निफिकेंट एक तक चाहिए आपको, है ना, सिग्निफिकेंट एक तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये 0.005 है, ये इतना छोटा नंबर है कि आप इसको ऑलमोस्ट 0.1 भी नहीं ले सकते। इतना क्लियर हुआ, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकते, यस बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये इतना छोटा है कि रास्ते में सब जीरो हैं और आप उसको राउंड ऑफ करके जीरो भी नहीं मान सकते, वन भी नहीं ले सकते। तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देता हूँ, याद रखिएगा बच्चों वैसा बिल्कुल नहीं आएगा, डोंट वरी। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 0.5 × 1.2 × 1.1 अगर ऐसे लिखा है, ठीक है, तो इसमें तो आपको मालूम ही है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स टोटल कितने हैं, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 था, सिग्निफिकेंट फिगर 3 था, तो सबसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 3, तो मतलब आपको आंसर दो टर्म में लाने हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1, इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 2, तो आपको आंसर एक में लाना है, एक टर्म में। मेरी बात समझ में आ रही है, तो याद रखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, जो आएगा उसको आप लिख सकते हैं। तो देखिए 0.5 इंटू, चेक करते हैं, 1.2 इंटू 11, तो ये आ गया 1.32, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना आ गया, तो डेसिमल यहाँ लग गया, तो 0.660 आ गया। लेकिन अब बताओ सबसे कम लीस्ट नंबर किसका है सिग्निफिकेंट का, इसके दो हैं, सॉरी इसका सिग्निफिकेंट फिगर एक है नंबर सिर्फ ना, इसमें दो है और इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर दो है। तो बताइए सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कौन है, ये है, सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर इसमें है ना, तो 1। तो याद रखिए 0.660 को आप सिर्फ लिखेंगे 0. ये देखिए दोनों हटाना है तो ये 5 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 6, 7 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 0.7। बात समझ में आ रहा है, तो याद रखना ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। मैं एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 2.38, ठीक है, 1.2834, ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक। मान लीजिए वॉट एवर आंसर कुछ भी आया हो तो आपको आंसर किस में कन्वर्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, तो आपको आंसर केवल 3 नंबर में लाना है। बात समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, तो याद रखेगा आंसर 3 सिग्निफिकेंट में लाने हैं, ठीक है। ऐसे ही डिवीज़न में करना है, डिवीज़न में जैसे 1.2 को डिवाइड करना है मान लीजिए 0.5 से, कितने से, 0.5 से। तो अब आप ये चेक करो 1.2 और 0.5 में सबसे कम किस में है लीस्ट काउंट, तो सॉरी लीस्ट काउंट नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो आंसर जो भी आएगा, ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 2.4 आया, ठीक है। तो मुझे कितना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो इसका मतलब मुझे 4 हटाना पड़ेगा, तो 4 क्या है, 5 से कम है, तो मैं अगर इसको हटा दूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो मैं इसको सिर्फ लिख सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, इसको 2 ही लिख सकता हूँ,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये 4 हटा दूंगा। ठीक, इतना समझ में आया। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ एक नंबर तक लिखना था ना, एक ही नंबर होना चाहिए ना, तो एक नंबर में मैंने इसको ऐसा लिख दिया, सिर्फ 2 लिख दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो याद रखना, अगर यहाँ 5 होता तब भी ना करते, लेकिन अगर यहाँ 6 होता तो 2.6 को हम अप्रॉक्सीमेटली 3 लिख देते, क्यों, क्योंकि 5 से बड़ा है ना ये। ठीक है, 5 है तब भी चेंज नहीं करते। ठीक, तो 2.5 है तो नहीं चेंज करेंगे। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, तो डिवीजन में भी वही रूल्स अप्लाई होंगे, याद रखिएगा। कोई कैसा भी नंबर आ जाए, मल्टीप्लिकेशन का चाहे डिवीजन का, तो याद रखना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लीस्ट डेसिमल देखना है कि सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसका है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ऐसे नंबर दिया होता है 4, 2, 3, 1, 2, ऐसे नंबर लिखा रहेगा और कहेगा इसको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो देखिए, 3 मतलब ये 3 होने चाहिए, ठीक है, और बाकी नहीं। तो बाकी नहीं का मतलब क्या, बाकी रहेंगे, अरे भाई ये पूरा नंबर है ये, अगर आपके पास 42,312 रुपीस है और मैं बोलूं कि आप अपना जो पैसा है मुझे सिर्फ 3 डिजिट के सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताइए, तो 3 डिजिट का सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता सकते हैं, तो ये 4, 2, अच्छा देखो 4, 2 और ये 3, यही तीसरा है ना, तो जब ये तीसरा नंबर यहाँ लिखेंगे, चलो मान लो ये 6 है, तो अगर ये तीसरा नंबर आप यहाँ लिखेंगे तो इसको पहले चेक करिए, ये 5 से छोटा है ना, तो इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, तो ये 4 to 6, और ये दोनों क्या होंगे, तो यहाँ लास्ट में 0 लिख दीजिए, तो ये राउंड ऑफ हो गया, ये नंबर हो गया। ऐसे भी आपके बुक में गिवन है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, मान लीजिए लिखा है 37, 37, 2, 8, 9, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि अप टू 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कीजिए, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ, चलो 3 डिजिट मतलब 372, तो 37 ये लास्ट में 2 0 ही हो जाएंगे, लेकिन 8 के पहले 2, तो ये 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, लेकिन ये क्या है, 2 क्या है, इवन नंबर है, और 5 से छोटा है, तो ये 2 ही रहेगा, तो 372 इसको ऐसा बोल सकता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। याद रखना, इसमें भी बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर है, जो चीज़ आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अब मुझे देखिए सब प्रैक्टिस है तो फटाफट मैं भी बता पा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए आप बता लेंगे। जैसे मान लीजिए 62586 आ गया, ठीक है, चलिए 3 और लगा देते हैं, ठीक, और अप टू आपको 3 डिजिट तक चाहिए, अप टू 3 डिजिट तक, ठीक, तो क्या करेंगे, 62 ये 5 से बड़ा है तो ये 6 हो जाएगा, और ये 3 0 लगा दीजिए, ठीक, ये अप टू 3 डिजिट तक इसको भी चाहिए था, अप टू 3 डिजिट, इतना समझ में आया? तो याद रखना ये भी 3 डिजिट तक ही चाहिए, तो 3 डिजिट तक मतलब क्या, ये 3 डिजिट होने चाहिए, मतलब इन 3 डिजिट में बदलाव हो चलेगा, लेकिन ये 3 डिजिट पूरे 0 करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो ये देखिए आ गया, मान लीजिए अगर ऐसा दिया हो 189 और 88 ऐसा दिया हो, और अप टू 3 डिजिट पूछ रहा हो, अप टू 3 डिजिट, तो ये देखो अप टू 3 डिजिट में आ जाओ, तो 1, 8, अच्छा अब ये देखो यहाँ 9 तो नहीं लिख सकते, तो ये 5 से बड़ा है तो ये 9 का 10 हो जाएगा, और अगर 9 का 10 हो जाएगा तो ये 8, 10 का 1 इसमें चला आएगा ना, तो 1, 8 की जगह 9 हो जाएगा, और ये लास्ट में दोनों 0, समझ में आया? एक बार फिर से चेक कर लो, 1, 8, 9, 8, 8, आपको सिर्फ 3 डिजिट तक लिखना है, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो ये लास्ट में दोनों क्या होंगे, 2 0 हो गए, लेकिन 8 5 से बड़ा है तो ये भी 5 से बड़ा है, तो मतलब ये बदलेगा, तो 9 का 10 हो जाएगा, तो 10 तो यहाँ लिखेंगे नहीं, तो 10 वाला जो 1 है इसके पास चला जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये देखिए आंसर आ गया, बात समझा? तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई हो चाहे कुछ भी हो आप कर सकते हैं। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं, मान लीजिए अगर आपको दिया है, अगर आपसे कहता है कि एक क्यूब है और क्यूब का साइड जो है, क्यूब का साइड 5, चलिए 1.1 मीटर क्यूब है, ठीक है, सॉरी 1.1 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, या पूछता है आपके पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर का एरिया दिया है 10.1 मीटर स्क्वायर, और इसका लेंथ दिया है आपको 0.25 मीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आपको मालूम है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है ना,
तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या, तो एक काम करते हैं पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया ही होता है ना, तो ये देखिए एरिया का वैल्यू दिया तो है 10.1 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर हो गया, और एच का वैल्यू कितना है 0.25, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए कुछ आंसर आ गया आपका 22.360, ये नहीं आएगा बट मान लेते अगर ऐसा आ गया तो क्या करना है, मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में सबसे कम सिग्निफिकेंट कहाँ है, इसमें दो है इसमें तीन है, तो इसका आपको इसको दो ही में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये पूरा हटा दीजिए 22 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्यूब का साइड 1.1 है, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूब का क्या होता है, लेंथ, सॉरी क्यूब है ना, तो एल क्यूब होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो 1.1 × 1.1 × 1.1 मीटर, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1.331 मीटर क्यूब आएगा, है कि नहीं, लेकिन काउंट करो सब में देखो दो ही है, इसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी दो है, इसमें दो फिगर है ना, तो इसको दो तक लाना है, तो दो तक लाएंगे तो 1.3, क्योंकि ये 3 5 से तो छोटा ही है, तो बदलेंगे तो सिर्फ इतना आएगा मीटर क्यूब, तो ये आपका वॉल्यूम आ गया। तो याद रखिए ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको देता है तो आप बिल्कुल ऐसे बस रूल याद रखना, एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो तो क्या काउंट करना है, डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस है ना, और अगर मल्टीप्लिकेशन हो मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो तो क्या काउंट करना है, क्या काउंट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। बोलो इतना समझ में आया, तो याद रखिएगा अगर एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो तो सबसे कम डेसिमल प्लेस काउंट करो, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने जितने तरह के सिग्निफिकेंट फिगर्स में सवाल पूछे जाते हैं मैंने हर एक सवाल बता दिया, आप इस वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे एक एक स्टेप जो मैंने बताया है आप इसको ट्राई करेंगे घर पे, तो यकीन मानिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स, दुनिया का कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देता है आप गारंटीड कर ले जाएंगे। इतना क्लियर हुआ। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं लेकिन यही आएंगे जो मैंने आपको बताया है, ऐसे ही देगा, सिलेंडर है, वॉल्यूम दिया है, ये दिया है, वो दिया है, ठीक है ना, तो ऐसे ही करके आपको सब सॉल्व करना है। इतना क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए आपको देता है कि रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का लेंथ है 1.1 और इधर है 2.5, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया, तो एरिया इक्वल्स टू क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 × 2.5, चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2.75 आ गया, लेकिन दोनों में सबसे लीस्ट मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई में क्या काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर, सबसे कम वाला ना, तो चलो बताओ दोनों में इसमें कितने हैं, दो, इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट, दो, तो मतलब सबसे कम दो ही है ना, आंसर कितने में आया, तीन, तो नहीं लेना है, तो ये टू पॉइंट, ये पाँच, देखो सिर्फ दो ही नंबर लेना है, 2.7 तक लेना है, लेकिन ये पाँच है ना, पाँच हटाएंगे तो 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 2.8 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। इतना क्लियर हुआ। आई होप कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स अब आपको कभी परेशान नहीं करेगा। लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि सर मेरे पास ये नंबर है, ठीक है, और आपको नहीं समझ में आ रहा, पहले तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आप ट्राई कीजिए कि आपको कैसे क्या करना है। इतना क्लियर हुआ। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे का जो लेक्चर रहेगा वो एरर जो है एरर इन मेजरमेंट रहेगा, और एरर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आपका एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का भी एक टॉपिक बचा है तो उसको भी करा देते हैं, और फिर हम आएंगे वेक्टर प्रोजेक्टाइल और भी जितने चैप्टर्स हैं सबको कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद।